चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल और गति के नियम। तो ये पहले आपने चैप्टर पढ़ना है अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है अभी और फिर याद करना है। चूज द वन विच हैज मोर इनर्शिया। तो पहले आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें टर्म्स आएंगी इनर्शिया, तो इनर्शिया का मतलब है कि उसमें जो मोमेंटम बनता है, जो एक जैसे जो जिसमें वेट ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ऐसी बात होती है। तो ये वेट और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, इससे इनर्शिया बनता है। ए टॉय थ्रोन अप बाय ए बॉय, ए क्वाइन थ्रोन अप बाय ए बॉय, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, ए रोज फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। पहले तो इन दोनों में से, ए टॉय थ्रोन अप और ए क्वाइन थ्रोन अप। तो जैसे टॉय जो है, क्वाइन तो सिक्का होता है, टॉय जो है वो खिलौना है, वो हैवी होता है। तो वो जब ऊपर उछाला गया है तो उसमें हमने गति दी है उसको, हमने उसको मोशन दिया है या वेलोसिटी दी है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो वो जो है इनर्शिया होता है। तो टॉय का इनर्शिया ज़्यादा है। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, ए रोज फॉलिंग फ्रॉम ए प्लांट, तो एप्पल हैवी होता है तो एप्पल का इनर्शिया ज़्यादा है। ए मोटरसाइकिल ए बस, अब बस ज़्यादा भारी है तो बस का इनर्शिया ज़्यादा है। तो इनर्शिया का मीनिंग है मास इंटू वेलोसिटी, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। अब वो वेलोसिटी का मतलब है एक ही वेलोसिटी से हम सारी चीज़ों को फेंक रहे हैं या चला रहे हैं, तो वेलोसिटी तो एक ही है, मास तो अलग अलग है जिसका भी जो है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो वेलोसिटी आपने बताना है कि कितनी बार चेंजेज हो रही है। पिछले में हमने देखा था चेंज कब होती है वेलोसिटी, जब उसमें एक्सलरेशन आ जाता है या उसमें डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसको हम वेलोसिटी चेंज होना बोलते हैं। धोनी हिट्स द बॉल इन ऑफ साइड, द बॉल इज फील्डेड बाई मोर्गन वेयर ही कलेक्ट्स द बॉल एंड थ्रोज इट टू द विकेट कीपर। तो देखो ये जो फोर्स अप्लाइड है और वेलोसिटी चेंजेज है, तो धोनी हिट्स द बॉल, जब उसने बॉल को हिट किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि उसके बैट के ऊपर जब बॉल आने के बाद बैट से टकराई तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। उसके बाद उसने हिट किया है फोर्स लगा के, तो जो भी उसकी वेलोसिटी हुई उसको यू से लिखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी बोलनी जाती है यू वाली। तो वो जो हिट बॉल को हिट किया है वो यू वेलोसिटी पकड़ गई, तो एक तो यहाँ पे चेंज हो गई। फिर मोर्गन कलेक्ट्स द बॉल, जब मोर्गन ने बॉल को पकड़ा तो वेलोसिटी फिर जीरो हो गई, तो इसमें वेलोसिटी चेंजेज टू जीरो। मोर्गन थ्रोज द बॉल टू विकेट कीपर, और जब मोर्गन ने बॉल को फेंका तो उसमें फिर वेलोसिटी आ गई। तो इस तरह से 3 बार जो वेलोसिटी चेंज होती है। व्हाट मे बी द मेन रीजन फॉर लीव्स शेडिंग डाउन व्हेन शेक्स इट्स ब्रांचेज। जब पेड़ को हम हिलाते हैं, उसके तने को पकड़ के हिलाते हैं, तो उसमें से पत्ते झड़ने लगते हैं, इसका क्या? ये इनर्शिया के कारण ही है मेनली। तो मेन रीजन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला गति का नियम, की ये मैं बता देता हूँ। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट में आइदर रिमेन एट रेस्ट और एट मोशन, कि कोई वस्तु है वो या तो गति में है तो गति में ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है, खड़ी है एक जगह, गति नहीं है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि इस पे कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। तो अगर कोई वस्तु खड़ी है तो जब तक हम उसको बाहर का फोर्स लगा के उसको दिखाएंगे नहीं तो चलेगी नहीं, ऐसे ही चलती हुई चीज़ है उसको फोर्स नहीं लगाएंगे तो रुकेगी नहीं, चाहे ब्रेक का फोर्स लगाएं हम। सो व्हेन द ब्रांच इज फोर्सफुली शेकन, इसलिए जब हम ब्रांच को हिलाते हैं, द ब्रांच टेंड्स टू बी मोशन, तो जब हम हिलाएंगे, पहले तो ब्रांच उसमें थी रेस्ट में, हमने उसको ब्रांच को हिलाया है तो ब्रांच मोशन में आ गई, लेकिन जो पत्ते हैं वो वांट टू टेंड इन स्टेट पोजिशन और इन रेस्ट पोजिशन, बट द लीव्स ऑफ द ब्रांच रिमेन एट रेस्ट, तो वो पत्ते हैं वो रेस्ट में रह जाएंगे, ब्रांच हिलेगी पत्ते वहीं रह जाएंगे। दिस क्रिएट्स ए स्ट्रेन बिटवीन ब्रांच एंड लीव्स, इस प्रकार से इसमें एक फोर्स बन जाता है ब्रांच और लीव्स के बीच में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेन। तो इस जो स्ट्रेन है या फोर्स है, लीव्स आर शेड डाउन फ्रॉम द ब्रांच, पत्ते गिर जाते हैं। तो ये जैसे आपने देखा भी है ना, कि जैसे आप एक गिलास पे एक गत्ता रखिए, उसके ऊपर एक सिक्का रखिए, आप
चुटकी में मारिए गत्ते पे, तो गत्ता नीचे से निकल जाएगा, सिक्का गिलास में गिर जाएगा। तो वो जो सिक्का है वो गत्ते के साथ नहीं गया, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। हमने गति दी है या मोशन दिया है केवल वो जो कार्डबोर्ड है उसको, गत्ते को हमने, और जो सिक्का है क्वाइन वांट्स टू बी इन द रेस्ट पोजिशन, वो रेस्ट पोजिशन में रहना चाहेगा, क्योंकि उस पर तो फोर्स ही नहीं लगाया हमने। तो इसी प्रकार पत्तों का है। वाई डज ए पर्सन टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स इन ए कार व्हेन इट एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव फॉरवर्ड व्हेन द कार ब्रेक्स। इसमें यह है कि भाई अगर कोई आदमी कार में बैठा है, अगर हम कार को एकदम चला दें तो पीछे की तरफ उसका ऊपर वाला हिस्सा पीछे की तरफ जाता है, और अगर एकदम ब्रेक मार दें तो वो आगे की तरफ झुकता है। तो इसमें भी वही पोजीशन है कि उसका जो फुट है या जहां पे आप बैठते हो तो वो तो कार से टिका हुआ है, तो कार के साथ उसकी गति चलती है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा फ्री है। तो अगर हम रेस्ट में हैं तो जैसे ही मोशन आता है कार में तो कार एकदम आगे चलती है, लेकिन हमारा ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में ही रहना चाहेगा इनर्शिया के कारण, इसलिए वो पीछे की तरफ जाएगा। व्हेन द कार इज मूविंग द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। जब कार मूव कर रही है तो सारी चीज मोशन में है। इफ स्टन ब्रेक्स आर अप्लाइड, अचानक ब्रेक मार देंगे, द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट। तो ब्रेक मारेंगे तो निचले वाला हिस्सा तो कार के साथ ही रुक जाएगा, वाइल द अपर हाफ टेंस टू बी इन मोशन, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा गति में ही रहना चाहेगा। दैट इज वाई द पर्सन मूव फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो यही कारण है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आगे की तरफ जो है झुकता है। इसी प्रकार एकदम जब खड़ी कार है उसको चलाते हैं तो वही बात इसमें, रीजन बिहाइंड दिस एक्शन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये इनर्शिया के कारण है कि वो उसी गति उसी अपनी अवस्था में रहना चाहिए। तो इसी प्रकार और दूसरा पार्ट है जो मैंने बताया ना, कि जैसे अगर वो रेस्ट में एकदम चलाएं तो नीचे वाला हिस्सा तो कार के साथ चलेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में चलेगा तो वो पीछे की तरफ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो एकदम पीछे की तरफ झुकता है। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल्स। तो तीसरा जो न्यूटन का नियम क्या है वो क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। किसी भी एक्शन में इक्वल और अपोजिट, बराबर का लेकिन उल्टी दिशा का रिएक्शन बनता है बिटवीन बॉडीज। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्विमर, एक तैराक का एग्जाम्पल लेते हैं। ये इसका मतलब है कि जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो हमारे ऊपर भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम किसी दीवार को पुश करते हैं तो हम पुश तो नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन अपना फोर्स तो लगाएंगे दीवार के ऊपर, तो दीवार भी हम पर उतना ही फोर्स उल्टी दिशा में लगाती है। द पर्सन हु इज स्विमिंग पुशिज वाटर बैकवर्ड। जो तैरने वाला कोई तैराक है वो पानी को हाथों से पीछे की तरफ फेंकता है, तो उतना ही फोर्स पानी उसके ऊपर लगाता है हाथों पे, जितना उसने पीछे की तरफ फेंका उतना ही वो आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, इसलिए तैराक आगे जाता है। वाइल वाटर पुशिज द पर्सन फॉरवर्ड, लेकिन पानी उसको आगे की तरफ फेंकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द मूवमेंट ऑफ हैंड एंड वाटर इज स्विम। इस प्रकार जो हाथ और पानी के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स है उसके कारण वो आगे चलता है, क्योंकि फ्रिक्शन इसलिए ना, फोर्स तो लगना ही पड़ेगा। अगर कोई चिकनी चीज पे हम लगाएंगे तो हमारा हाथ तो फिसल जाएगा, तो फोर्स हम लगा नहीं पाएंगे पूरा। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू कंट्रोल ए होज विच इजेक्ट्स वाटर एट हाई वेलोसिटी। जैसे जो आग बुझाने वाले होते हैं ना फायरमैन, दमकल की गाड़ी, उसमें बड़ी पंप लगा होता है तो बड़ी तेज गति से पानी बाहर निकलता है, और उसको हम पकड़ नहीं, वो जो फायरमैन है वो मुश्किल से ही उसको हैंडल कर पाता है क्योंकि फोर्स इतना हो जाता है। द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हिट्स द स्पेसिफाइड टारगेट। तो जो पानी होज से आ रहा है वो एक बड़े तेज फोर्स के साथ बाहर की तरफ आ रहा है, लार्जर फोर्स, एंड दिस फोर्स एक्ट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द फायरमैन होल्डिंग इट। और जैसे ही वो फोर्स जब आगे की तरफ जाता है, जो उसमें से तेज वेलोसिटी से पानी बाहर निकलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, तो जो पानी उस होज को छोड़ के बाहर निकलेगा उतना ही फोर्स वो होज पे लगाएगा उल्टी साइड में, तो वो फायरमैन के लिए उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो काफी फोर्स से वो पकड़ सकता है। सो द फायरमैन इज बीइंग पुश्ड बैकवर्ड विच मेक्स हिम डिफिकल्ट टू कंट्रोल द होज, तो वो उसको मुश्किल से पकड़ पाता है। सो दैट ही हैज टू अप्लाई सम एडिशनल फोर्स टू विदस्टैंड इट, क्योंकि उसको उतना ही फोर्स तो लगा नहीं पाए, उतना ही फोर्स अगर वो लगाएगा तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा सा उससे भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जितना वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है पानी।
इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर द बॉडी टू बी ट्रेवलिंग विद द सेम नॉन जीरो वेलोसिटी इफ इट टेंड्स टू एक्सपीरियंस ए नेट जीरो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। वो कहता है अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाए हम, वो अनबैलेंस्ड है लेकिन जीरो है, तो भी क्या कोई जो बॉडी है वो नॉन जीरो वेलोसिटी, जैसे हम किसी पे फोर्स लगाएंगे अनबैलेंस्ड तभी तो वो चलेगी। और वो कहता है कि अगर वो नॉन नेट जीरो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है, जीरो फोर्स है, तो भी क्या उसमें वेलोसिटी आ पाएगी, ये बताना है। द आंसर इज यस, द सिचुएशन अराइज व्हेन ए बॉडी थ्रूज अपवर्ड एट ए मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी जीरो। जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हाइट जितनी वो जा सकती है वहां पे जीरो हो जाएगी वेलोसिटी। तो उसमें क्या है कि जो नेट फोर्स है उस टाइम पे अनबैलेंस्ड फोर्स वो तो जीरो है, लेकिन उसकी वेलोसिटी वो नीचे की तरफ आने लग जाएगी, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो मानी जाएगी। एट मैक्सिमम हाइट इज वेलोसिटी जीरो बट अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ऊपर वाले ऊपर पार्ट में जाके वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी लेकिन फोर्स उस पर अनबैलेंस अब भी लगा हुआ है, क्योंकि नीचे की तरफ जो फोर्स है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको नीचे की तरफ हमेशा ही खींचता है, तो फोर्स तो उस पर अनबैलेंस लगा हुआ है लेकिन ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हम यहीं तक करते हैं बाकी।